सो हेलो गाइस, मेरा नाम विशाल और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि व्हाट्सअप के आप डिलीट किए हुए मैसेज कैसे पढ़ सकते हो। तो जैसा कि अगर आप दोस्तों किसी के पास भी कोई मैसेज भेजते हो, तो अगर आप उस मैसेज को डिलीट कर देते हो, तो वो बंदा जो है सामने वाला आपके मैसेज को नहीं पढ़ पाता। और लेकिन अगर वो सामने वाला बंदा आपके पास कोई भी मैसेज भेजता है और बाद में डिलीट कर देता है, तो आप उसके मैसेज को पढ़ पाओगे। तो कैसे पढ़ पाओगे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देते रहिएगा दोस्तों। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है दोस्तों नोटिस सेव करके, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और लिंक जो है मैंने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकती हो। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास कोई भी मैसेज आएगा तो बंदा वो वहाँ से डिलीट कर देगा। तो इस एप्लीकेशन में जो क्या होगा, ये 2 MB का एप्लीकेशन होगा, इसमें जो है वो सेव हो जाएगा उसका मैसेज। तो उस तरीके से आप देख पाओगे। तो आगे मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा कि कैसे आपको कैसे क्या करना है और क्या पर क्या क्या करना है, वो सब कुछ बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पर जाना है। एंड दोस्तों, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है नोटिस सेव करके, वही एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ नोटिस सेव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो हमारा एप्लीकेशन आ चुका है। तो दोस्तों, मैंने पहले से इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो अगर आप इसको आपको इसको डाउनलोड करना होगा। एंड दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इसको ओपन करना होगा एप्लीकेशन को। एंड दोस्तों, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे इसको आगे ले जाना है, एंड यहाँ पे नेक्स्ट। एंड दोस्तों, यहाँ पे आपको जो परमिशन जो भी मांगे आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे मैं परमिशन को अलाउ कर देता हूँ। एंड दोस्तों, यहाँ पे आपको फिर से एक बार बैक आना है, एंड फिर से आपको एक परमिशन को अलाउ कर देनी है। अब हमारा ऐप लिस्ट जो है लोड हो रहा है, किस किस ऐप पर हम जो अपना लगाएंगे नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सभी एप्लीकेशन पर यहाँ पे ऑन है, कुछ एप्लीकेशन पर ऑफ है सिर्फ। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, यहाँ से एक बार इसको बंद ऑन करना है, सबको ऑल पर क्लिक करके, और आपको यहाँ से बंद कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको किस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को सेव करना है, तो यहाँ पे मैं आपको व्हाट्सअप करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ मैंने व्हाट्सअप पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए हमारे व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑन हो चुका है, ठीक है। तो अगर व्हाट्सएप पर कोई भी बंदा मैसेज करता है और उसको डिलीट कर देता है, तो हमारा सेव होगा, व्हाट्सएप का मैसेज हमारा सेव हो जाएगा। तो एक बार हम ऐसे बैक आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा देख सकते हो, हमारा इसको भी नोटिफिकेशन हुआ, अलाउ कर देना नेक्स्ट करके। सो गाइस, अभी हमारा जो है फुल, सो गाइस हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। अभी हम आपको इसको चेक करके दिखाते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे अपना देख सकते हो, मेरा अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूँ। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी कोई मैसेज नहीं है। तो मैं यहाँ से एक मैसेज भेजता हूँ अपने फ़ोन पर दूसरे डिवाइस से। सो गाइस, मैंने दूसरे डिवाइस से मैसेज भेज दिया है। तो मैं यहाँ से एक बार फिर से इसको डिलीट कर देता हूँ मैसेज को। सो गाइस, मैंने मैसेज जो है अभी व्हाट्सएप से जो भी दूसरे डिवाइस से इस डिवाइस में भेजा था, मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो चलिए आपको इसको ओपन करके दिखा दो व्हाट्सएप को। तो यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास एक मैसेज आया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारा दिस मैसेज वेज डिलीट, ये मैसेज डिलीट हो चुका है। दोस्तों, अब इसको आप कैसे देखेंगे, तो मैं आपको उस एप्लीकेशन में ले जाता हूँ। तो आपको इस एप्लीकेशन में आना होगा नोटिस ऐप पर। एंड दोस्तों, नोटिस एप्लीकेशन पे आने के बाद आप देख सकते हो, हमारा ये जो मैसेज था अभी यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने अभी जो दूसरे डिवाइस से मैसेज भेजा था, यहाँ पे आ चुका है। देखिए, मैंने यहाँ पे हाई लिख के भेजा था, और मैंने अपने डिवाइस से डिलीट कर दिया दूसरे वाले से। तो हमारे ओरिजिनल व्हाट्सएप पर जो है डिलीट हो चुका था मैसेज, और यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन में जो आ चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी अपने डिलीट हुए मैसेज को देख सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू आए हो तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।